कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, देश के युवा नेता श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर साहिबान, कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर साहिबान, देश के कोने कोने से आए भाइयों और बहनों, आज से तकरीबन 6 साल पहले मोदी जी ने देश की जनता को बड़े बड़े सब्ज बाग दिखलाए थे। उन्होंने जनता से वादा किया था कि वो 2024 तक देश की राष्ट्रीय आमदनी को $5 ट्रिलियन तक पहुंचा देंगे। किसानों से उन्होंने वादा किया था कि किसानों की आमदनी 5 साल में दुगनी कर दी जाएगी। देश के नौजवानों से उन्होंने ये वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नए रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे। भाइयों और बहनों, अब तो ये साबित हो गया कि ये वादे सब झूठे थे और देश की जनता को गुमराह करने के लिए उन्होंने जो भी वादे किए उसको पूरा करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें ताकि हम देश को सही मानों में आगे ले जा सकें। एक पोइट ने कहा था, आ कि इन तारीकियों से सुर्खियां पैदा करें, इस जमीन की बस्तियों से आसमां पैदा करें। तो आज समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया जाए, श्रीमती सोनिया गांधी जी के हाथ मजबूत किए जाएं ताकि देश को सही तौर पे सही दिशा में हम आगे ले जा पाएंगे। इन्हीं की शब्दों के साथ मैं आप सब भाई बहनों का स्वागत करता हूं। आप दिल्ली में देश के कोने कोने से आए हैं। सोनिया जी का मैसेज दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है और मैं समझता हूं कि ये उत्साह जो आप में सबने नज़र आ रहा है, ये देश को नई दिशा देने में पूरी तरह कामयाब होगा। जय हिंद। दोस्तों तैयार हो जाइए। वो जिनका हम सबको इंतजार है, वो जिनकी आवाज पूरे देश में गूंजती है, वो जो युवाओं को एक नया रास्ता हमेशा दिखाते, वो जो इस देश को एक नया रास्ता दिखाएंगे, वो जिनसे इस पूरे देश के किसान, नौजवान, गरीब, व्यापारी, दलित, आदिवासी को उम्मीद है, मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से कि वो आए और हमें अपना संदेश दें।